हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आलप भी मुंबई जोन से एलपी कैंडिडेट के लिए बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट आ रही है वो सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन वाले एलपी कैंडिडेट के लिए आ रही है। फाइनली जिन कैंडिडेट को ईमेल नहीं आया था एक से दो दिन पहले, उनको भी जो है आज की तारीख के अंदर ईमेल आना स्टार्ट हो गया है। जिनकी ट्रेनिंग नवंबर 2020 के अंदर स्टार्ट हो रही है और इनको जो है रिपोर्टिंग के लिए 18 नवंबर 2020 को बुलाया गया है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ईमेल जो है आज स्टूडेंट को आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मध्य रेलवे कॉल फॉर अपॉइंटमेंट, मंडल कार्यालय क्रमिक शाखा मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर जो मैंने प्राइवेसी के रिगार्डिंग हाइड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय के अंदर एलपी पद हेतु रेल भर्ती विभाग मुंबई द्वारा नियुक्ति एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में। और यहाँ पे बताए गए आप दिनांक 18 नवंबर 2020 को कार्यालय में 10 बजे प्रस्तुत हो। साथ ही आपके नियुक्ति के बुलावे पत्र सहित दो साक्षात्कार फॉर्म यानी कॉल फॉर अपॉइंटमेंट लेटर के साथ दो अटेस्टेशन फॉर्म आपको साथ लेकर जाने रहेंगे। और साथ ही के अंदर सारे शैक्षणिक संस्थान के जो आपके मार्कशीट है वो आपको लेकर जाने रहेंगे ओरिजिनल। साथ ही के अंदर 15 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेकर जाने रहेगी। और इसी के साथ जो बैंक के आगे के जो पासबुक का फ़ोटो होता है उसका जेरोक्स लेकर जाना रहेगा। साथ ही के अंदर दो जो है आपको कैंसिल चेक लेकर जाने रहेंगे जो यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। साथ ही के अंदर आपको जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड साथ लेकर जाना रहेगा। फ्रेंड्स, इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने 12 पासपोर्ट साइज फ़ोटो बता दी थी, तो आपको जो है 15 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जानी रहेगी, इतना आपको याद रखना है। और इनको जो है यहाँ पे बताया गया कि इनकी जो ट्रेनिंग है 20 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रही है, तो उनको जो है 18/11/2020 तक रिपोर्ट करना रहेगा जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साथ ही के अंदर जो कैंडिडेट अभी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो उनको जो है एनओसी लेकर साथ लेकर जाना रहेगा जो इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया। साथ ही के अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ बताए गए जो कैंडिडेट एससी एसटी वाले हैं तो उनको जो ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी जाती है उसके बारे के अंदर यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज भी जो है एसएमएस ईमेल आना स्टार्ट हो गया कैंडिडेट को। और आज जिनको आया उनको रिपोर्टिंग के लिए 18/11/2020 को बुलाया था, और जिनका 2 से 3 दिन पहले आया था उनमें से कुछ कैंडिडेट को 5 नवंबर को बुलाया गया। साथ ही के अंदर कुछ कैंडिडेट को 17 नवंबर को बुलाए गए, और आज जिनको आया तो उनको 18 नवंबर को जो है बुलाया गया रिपोर्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि छोटी सी अपडेट आरआरबी मुंबई जोन से एलपी कैंडिडेट के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।